नमस्कार मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल में आपका स्वागत है। प्रदेश राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज चंबा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चंबा पहुंचने पर चंबा हेलीपैड में एडीसी चंबा मुकेश रेपसवाल, एसपी चंबा अरुल कुमार, एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद राज्यपाल द्वारा चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय के सभागार में कड़ी सुरक्षा के बीच एक बैठक में भाग लिया गया, जिसमें चंबा के विभिन्न नवनिर्वाचित पंचायत और नगर परिषद के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल द्वारा बातचीत की गई। वहीं इस दौरान राज्यपाल महोदय ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र के विकास के लिए कर्मठता से कार्य करने की बात कही। इसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा चंबा के भूरी सिंह पावर हाउस का दौरा किया गया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय और भूरी सिंह पावर हाउस के किए गए दौरे को लेकर अपने अनुभवों को मीडिया से साझा किया। वहीं उन्होंने जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक बारे भी मीडिया को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय कुमार, डीएसपी चंबा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होने के बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट को पहली बार आया हूँ, इसलिए कोविड का जो पीरियड में मैं यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन मुझे आज खुशी हुई है चंबा में जो आज मैं आकर जो भूरे सिंह म्यूजियम और भाषण म्यूजियम है चंबा का और आजू बाजू सभी प्रदेशों का, राजाओं का और इतिहास और उस समय का जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, आर्ट है और सिक्का भी है और वैसे ही जो है यहाँ के जो प्रतिष्ठित जो प्रोफेशन है, ये सारे विषयों को जो है म्यूजियम में करीब करीब अभी
सेकंड सेंचुरी से लेके अभी तक उसको कायम रखना, म्यूजियम के रूप में उसको जो प्रदर्शन के लिए लगाना है, ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है। जबकि पेंटिंग्स और जबकि जो स्कल्पचर और जबकि जो शस्त्र आयुध ये सारे जो है म्यूजियम में बताए गए, मुझे बहुत खुशी लगा है। और वैसे ही जो है मैं अभी यहाँ से पावर पायलट भी देखने के लिए जा रहा हूँ और डैम भी देखने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही तो मुझे पहले यहाँ के नए जो जनप्रतिनिधि है वो मुझे सम्मान किए और पहली बार उन्होंने जीत कर आया, उनको मैं सभी लोगों को बधाई दिया, विशेष करके महिला जो अच्छे संख्या में थे, और मैं उनको कुछ बातें बताया कि उसमें विशेष करके जो प्रतिनिधि के रूप जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोग सुन के आए, आपका ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गया है और वैसे ही आप लोग जिम्मेदारी के साथ जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की और नरेंद्र मोदी जी का केंद्र सरकार का जो भी स्कीम्स है वो स्कीम्स को जो है गरीब से गरीब तक ले जाना चाहिए और ये भी एक सेवा भावना से आप लोग काम करना है और चंबा डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश में अच्छी नंबर में लाना चाहिए, ये उनको मैंने बताया। बाद में डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन अधिकारी लोग हैं उन्होंने भी मुझे सारा रिपोर्ट बताया, यहाँ का सारा परिस्थिति में मुझे समझाया। मुझे खुशी है यहाँ के डीसी राणा जी और एसपी अरुण कुमार जी और विशेष करके मैंने जो है यहाँ नशा के बारे में पूछा, नशा जो है एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती की बात है, सारे देश में भी इस महामारी से जो लड़े हुए हैं अभी इसमें भी जो है ये नशा का जो है कम करने का प्रयास कैसा किया जा रहा है, इसके ऊपर खड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इसको हम लोग बंद करने के लिए ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और सारे लोगों को इसमें मिलाना चाहिए। विशेष करके मैंने बताया था यहाँ के ट्राइबल लोगों के अंदर जो जनजाति के लोग हैं उनमें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार ये तीन दो है बड़ा ही देना चाहिए और गुणवत्ता का शिक्षा देना चाहिए और विशेष करके जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन आया है ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में भी आप लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए ऐसा मैं उनसे कहा था और उन्होंने फिर मैं जब आऊँगा तब विस्तार रूप से जो है ये करूँगा। लेकिन और एक विषय भी बताया, सबसे बड़ी खेती बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसानों को जो भी उपलब्धि देना चाहिए, उनके जो भी बैंकों का ऋण है और प्राकृतिक खेती में उसको परिवर्तन करने का जो सब्सिडी देने का आगे बढ़ाने का, इसमें ज़्यादा जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ये दोनों को बढ़ाना चाहिए, तभी जो है प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो उसका सारा विषय उन्होंने मुझे भी बताया, तो वैसा मैं आज प्रसन्नता हूँ, खुशी हूँ। चंबा बहुत ही अच्छी प्रांत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर,
कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है सर वो हिमाचल का एकलौता एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है सर, लेकिन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने उसका हेड है सर चीफ सेक्रेटरी जी, लेकिन आज तक कोई भी चीफ सेक्रेटरी इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए खुद नहीं आए। मीटिंगें होती रहती है शिमला में सर, लेकिन जो यहाँ आएगा उसको जो है वो जमीनी हकीकत का पता चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर एक ऐसे आदेश हो सरकार के माध्यम से कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो भी मीटिंग जब भी हो सर वो चीफ सेक्रेटरी यहाँ ताकि वस्तु स्थिति का पता चले सर, उसे ये रिक्वेस्ट है सर। आपने अच्छा सुझाव दिया है, ये शिमला से बहुत दूर है, जैसा आपने कहा था ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर नज़र बहुत अच्छी रहना चाहिए। और आप जो सूचना दिया है मैं जो है सरकार से बात करूंगा, बात करके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को और जो है तेज़ी से बढ़ावा लाने के लिए हम कदम उठाएंगे।